आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्थानीय पवनों की, यानी लोकल विंड्स की। जैसा कि आपको मालूम भी है, इस टॉपिक की अहमियत सिविल सर्विस में कितनी ज्यादा है। यानी कि अगर आप पिछले 4-6 साल के पेपर देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं ये हर बार किसी न किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में या फिर यूपीएससी के एग्जाम में कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलता जरूर है। कहने में जितना आसान लग रहा है, सुनने में जितना आसान है, आसान है भी, लेकिन आपके एग्जाम में उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये लोकल विंड्स होती क्या है। इन लोकल विंड से हमारा मतलब ये है कि जो ये वक्ती तौर पर यानी साल भर ना चल के कुछ टाइम यानी कुछ महीने या कुछ दिन या किसी खास क्षेत्र में चलती हैं और इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इनकी बात करें तो कोई भी हवा होती है वो दो टाइप में होती है, या तो वो गर्म होगी और या फिर वो ठंडी होगी। तो अगर हम लोग गर्म हवा की बात करें तो ये कुछ ज्यादा ही आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे, ढेर सारी लिस्ट। ठंडी हवा की बात करेंगे तो ये कुछ कम नाम दिखाई दे रहे हैं। अब बात यह है कि हवा ऐसे ही गर्म है जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में चलती है, ऐसे ही मान लो सऊदी में चलती हवा तो वहां पर भी गर्म है, यहां पर भी गर्म है, लेकिन बस फर्क यह है कि हम लोग उसे कुछ और कहते हैं और सऊदी अरब में या अलग अलग जगहों पर उसे किसी और नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गर्म हवाओं की। तो जब गर्म हवाओं की बात करेंगे, यानी ये वक्ती तौर पर चलती, पूरे साल नहीं चलती, एक बार फिर से जान लीजिए, जो सालों भर चलती उनको परमानेंट विंड्स कहा जाता है, वो टॉपिक ही अलग है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्म हवाओं की। तो जो गर्म हवाओं में बात करते हैं तो एक आती है फॉन। ये जो फॉन गर्म हवा है ये स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत के आसपास एरिया में चलती है। यानी अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कहां चलती है, ये स्विट्जरलैंड में चलती है। ठीक, अब जब स्विट्जरलैंड में चलती है तो ये वक्ती तौर पे चलती, पूरे साल तो नहीं चलती। तो वहां उस एरिया की अगर हम लोग बात करें, स्विट्जरलैंड है आपका, स्पेन है, फ्रांस है, ये इन यूरोप का वो हिस्सा जो या तो मेडिटेरियन सी से डायरेक्ट कनेक्ट है या फिर थोड़ा सा अंदर है, तो यहां पर ये रसीले फलों की खेती बहुत होती है, जैसे संतरा है, अंगूर है। तो यहां पर जो फॉन की कीमत बात कर रहे हैं तो फॉन यहाँ के जो अंगूर की खेती होती है उसको, यानी अंगूर को एक पकाने में एक रोल प्ले करती है, और यहां पर यानी ये कह सकते हैं कि अंगूर को पकाने में ये सहायक होती है। दूसरी बात कर लेते हैं चिनूक, ये अमेरिका में चलती है और अमेरिका में राकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलती है, और वहां जब चलना शुरू करती है तो वहां उस एरिया के पूरे बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए इसे हिमभच्छी कहा जाता है, यानी स्नो ईटर। फिर नंबर तीन की बात कर लेते हैं लू, सबको जान रहे होंगे सब लोग, ये चलती है भारत में, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों में इसे लू ही कहा जाता है। यानी अगर हम ये कह लें थार डेजर्ट में गर्म हवा चलती उसे क्या कहेंगे, लू कहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सांता आना, ये भी कहाँ चलती है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलती है, यानी कैलिफोर्निया में चलती है, बहुत गर्म हवा होती है वहां कैलिफोर्निया में, ये जो आपके वहां के फलों के बागान है उसको काफी ये नुकसान पहुंचा देती है। खैर, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खामसिन। खामसिन कहाँ का बोलते हैं, इसे मिस्र में बोलते हैं खामसिन। अब जब यही खामसिन मेडिटेरियन सी पार करके इटली में पहुंचती है तो इसी खामसिन को वो लोग बोलते हैं सिराको, यानी तो सिराको कहाँ कहलाएगी, इटली में, और यही सिराको इटली में ब्लड रेड या रक्त वर्षा कराने के लिए सहायक है या जानी जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं सिमून, ये भी एक गर्म हवा है, और सिमून की अगर हम लोग बात करें जो पश्चिम एशिया का, यानी जो पश्चिम एशिया जो यानी सऊदी अरब यानी अरब एरिया, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सहारा डेजर्ट, यानी जो आपका स्वेज नहर के इधर वाला हिस्सा यानी ईस्ट वाला हिस्सा जो अरेबियन डेजर्ट, और उधर वाले की बात कर ले तो यानी अफ्रीका शुरू हो जाएगा यानी सहारा डेजर्ट, तो इसमें ये चलती है यानी सहारा और पश्चिम एशिया डेजर्ट में कह सकते हैं।
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जोंडा की, तो जोंडा ये गर्म हवा चलती है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं योमा, ये कहाँ चलती है, नाम से ही जाहिर है, ये आसानी से पकड़ सकते हैं, जापान में। हरमट्टान, इसे आप डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, हरमट्टान को, यानी ये अफ्रीका का जो गिनी कोस्ट है वहां पर ये चलती है, यानी अफ्रीका के गिनी कोस्ट पे, यानी गिनी तट पे। ठीक, गिनी कोस्ट पर मॉइस्चर ज्यादा रहता है, इक्वेटर के करीब में रहता है, तो वहां जब मॉइस्चर ज्यादा रहेगा यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, तो बहुत बहुत चिपचिपी गर्मी होगी, यानी बहुत परेशान करने वाली। तब ये जब एरिड हवा यानी गर्म और एरिड हवा चलती है तो उस एरिया के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वहां के लोकल के लोगों को काफी रिलीफ मिलता है, इसलिए वो लोग इसे डॉक्टर विंड कह देते हैं। उसके बाद ब्रेकफील्ड, इसे बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अब उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं शमाल, ये कहलाती है आपकी इराक में, यानी दजला और फरात नदियों के बीच वाला हिस्सा जो है, वो मेसोपोटामिया सभ्यता भी वहीं बनी थी और ये उसी हिस्से में ये चलती है, इसे हम लोग शमाल यानी इराक में। ब्लैक रोलर की बात कर लेते हैं, ये भी यूएसए में चलती है। गिबली की बात कर लेते हैं, ये कहाँ चलती है, लीबिया में, साउथ अमेरिका को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है लीबिया। बर्ग कहाँ चलती है, ये अगर हम लोग बर्ग की बात करें तो ये जो बर्ग आपकी ये जो लोकल विंड्स है ये चलती है आपकी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद आ जाती है हबू, इसे बोलते हैं सूडान में, यानी हबू कहाँ चलती है, सूडान में। और नॉर्वेस्टर की अगर बात कर लेते हैं तो जो नॉर्वेस्टर जो लोकल विंड है आपकी ये कहाँ चलती है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्वेस्टर चलती है न्यूजीलैंड में, ध्यान रखना नॉर्वेस्टर जो है वो आपकी न्यूजीलैंड में है। ये तो हो गई सारी की सारी आपकी गर्म हवाएं। अब अगर हम लोग ठंडी हवाओं की बात कर लें तो ठंडी हवाओं में बहुत ही लिमिटेड नाम है, एक नाम आता है बोरा जो आपका एडियाटिक सागर के किनारे किनारे चलता है। एडियाटिक सागर का मतलब जो आपका इटली का पूर्वी हिस्सा, जैसे अल्बानिया है, क्रोशिया है, ये या आपका ग्रीस है, ये इसकी कोस्टल एरिया वाले हिस्से में चलती है, इसे वहां पर एडियाटिक सागर कहा जाता है। उसके बाद मिस्टल की बात कर लें, फ्रांस में चलती है, खासतौर से रोन वैली, यहाँ पर एक नदी है फ्रांस की, रोन घाटी। ब्लिजर्ड की बात कर लेते हैं, सबसे ठंडी हवा अगर कोई है यही है पूरे दुनिया में, और सबसे ठंडी हवा और ये आपकी चलती है यूएसए और कनाडा में। पुर्गा बात कर लेते हैं, साइबेरिया मतलब रूस का हिस्सा आता है। बुरान की बात कर लें, ये आपका सेंट्रल एशिया यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला हिस्सा। और अपने यहाँ जो इंडिया में जो हवा ठंडी चलती है उसे हम लोग शीतलहर बोलते हैं, खास तौर से उत्तर भारत के मैदानों में, वो भी दिसंबर और जनवरी के टाइम पर। तो ये जो हवाएं हम लोगों ने देखी, ये कुछ हवाएं इधर गर्म के नाम लिखे थे, कुछ ये ठंडे, तो इनको आप बेहतर से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, कई बार तो आपको मैच द फॉलोइंग में, यानी एक तरफ गर्म हवा एक तरफ आपका देश लिखा होता है, मिलाना होता है, या फिर आपको कोई मिसमैच पेयर कर देगा तब आपको पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।